गाइस, एक और न्यू वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एग्ज़ाम देने से पहले और एग्ज़ाम जैसे भी गए हो उसका रिजल्ट आने से पहले जो एक्साइटमेंट होता है ना, उसी एक्साइटमेंट के साथ मैंने राहुल गढ़ सर की क्लासेस को लिया। तो मुझे राहुल गढ़ सर क्लासेस कैसे लगी वो आप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो बिना हर्षी एग्ज़ाम में AIR रैंक लाए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को अपने 3 पार्ट से ना डिवाइड करने वाले हैं। पहले पार्ट के अंदर बेसिक के बारे में बात कर लेंगे, दूसरे पार्ट्स के अंदर बात कर लेंगे सर पढ़ाते कैसे हैं, और तीसरे पार्ट के अंदर बात कर लेंगे कि मेरे पेपर कैसे गए। तो अगर आपको नहीं पता तो मेरे पेपर अभी नवंबर 22 के अंदर थे, और बात कर लेंगे कि मेरे पेपर एक्चुअली गए कैसे हैं। तो चलो पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करूँ तो सर से टोटल 73 लेक्चर्स आते हैं, और हर लेक्चर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का है, और उसका इंडेक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से चेकआउट कर लेना कि सर ने कितने टाइम के अंदर कितने चैप्टर कवर कराए हैं। पर उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो इंडेक्स के अंदर, कि सर ने पहले 14 लेक्चर के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स कवर करवाए हैं, और 73 लेक्चर्स के अंदर 16 चैप्टर्स कवर करा दिए। तो बहुत सारे जनों को लग सकता है कि सर पहले स्लो मूव कराते हैं और लास्ट में चैप्टर खत्म कराने के लिए स्पीड है जो अपनी फास्ट कर लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो उनसे पहले 2 चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर है कॉस्ट शीट और दूसरा चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग, और दोनों के दोनों बहुत लेंथी चैप्टर हैं। तो उसकी वजह पे उन चैप्टर्स पे टाइम लगता है, और उसी की वजह से पहले 14 चैप्टर के अंदर सर ने सिर्फ 2 लेक्चर कवर ये क्या बोला तूने? सर ने पहले 14 लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर कवर कराए। अब अगर डाउट्स के बारे में बात करें कि आप डाउट्स पूछोगे कैसे, तो सर ने अपनी बुक्स के अंदर पहले 3 पेज के अंदर डाउट प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे आप डाउट पूछोगे। मजाक नहीं कर रहा मैं, 3 पेज का भाई डाउट प्रोसीजर है। तो आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, बट सिंपली इतना बड़ा प्रोसीजर आपको फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सर रिप्लाई कर देते हैं। आई डोंट नो कि इतना बड़ा प्रोसीजर क्यों लिखा है। तो आप जस्ट सिंपली अपना नेम और सर की एक सीरियल की होती है, उसको आप टाइप करके सर को कोई भी डाउट पूछोगे तो विद इन 48 आवर्स, मैंने सर को मैसेज किया था डाउट के लिए तो मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए तो रिप्लाई आने के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डाउट सॉल्विंग आई थिंक थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे है, बट ओवरऑल आपको रिप्लाई आ जाता है। अब अगर सेकंड पार्ट की बात करें कि मुझे सर के लेक्चर लगे कैसे, तो मुझे सर के लेक्चर काफ़ी अच्छे लगे, बिकॉज सर के पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर करते हैं क्या है कि आपको हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर देंगे। सपोज करो कि एक चैप्टर 1 है, और चैप्टर 1 को सर क्या करेंगे कि 20 कॉन्सेप्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे, और उस कॉन्सेप्ट की सर पहले आपको थ्योरी लिखवाएंगे, और थ्योरी लिखाने के बाद उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, और ये यहीं ख़त्म नहीं होता, और उस कॉन्सेप्ट के आपको क्वेश्चंस होमवर्क में भी करने को मिलते हैं। तो इससे वो कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाता है, और ऐसे ही सर वो आपको 20 के 20 जो उनसे आपको डिवाइड किए हैं चैप्टर को वो आपको सर सोल्व करवाएंगे, जिससे आपके चैप्टर के ऊपर जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और ये मुझे एग्ज़ाम टाइम पे भी फील हुआ। तो इसी से अपने थर्ड पॉइंट है कि एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम कैसे रहे हैं। तो मेरे कोस्टिंग के पेपर की बात करें तो मेरे कोस्टिंग का पेपर मेरे बाकी 3 पेपर में सबसे अच्छा गया है, और आई एम प्रिटी श्योर कि एग्जामिशन आ जानी चाहिए, बिकॉज जो उनसे कोस्टिंग के पेपर में जो उनसे क्वेश्चन आए थे ना, जो उनसे हार्ड क्वेश्चन थे, इनफैक्ट वो डिट्टो सर की बुक्स में से आए थे, सिर्फ और सिर्फ फिगर चेंज था, जिसकी वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर बन सकते हैं, बने नहीं हैं, बन सकते हैं, बिकॉज अभी रिजल्ट आने में टाइम है। तो विद डैट हम वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सोशल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर फॉलो कर लेना।